गाइस फाइनली ईयर कॉमेडी का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा मन में डाउट है कि सर मेरी कॉमेडी में रैंक ये है, मुझे ये कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मुझे कॉमेडी में काउंसलिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा। इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे पूरे अवेलेबल नहीं मिलने वाला है, इवन इंटरनेट पे आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो इंटायरली देखो। 1000 रैंक से 40000 रैंक तक अगर आपकी कॉमेडी के अंदर है तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, कौन सी उसकी ब्रांच मिल सकती है, कितना फी लगेगा, कॉलेज का लोकेशन कहाँ पे होगा, डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। मेरे पेरेंट्स जितने भी यार पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको ये गुजारिश है कि भाई तसल्ली से वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अपना ऑल इन वन प्रेडिक्टर है यार, जिसमें कॉमेडी के छोड़ो जितनी भी काउंसलिंग इंडिया के अंदर है सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट विद द कॉमेडी के 1000 रैंक कि भी किसी की बच्चे की 1000 रैंक के अंदर या 1000 रैंक तक आ रही है तो कॉमेडी के में उसके पास क्या ऑप्शन है। अदर ऑप्शन आप इग्नोर कर दीजिए, हम सीधा कॉमेडी के ऑप्शन देखेंगे, सबसे नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1000 रैंक तक आपका कॉमेडी के में आता है तो देखो कॉमेडी के में कॉलेज कोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलते जुलते नाम आपको मिलेंगे। तो 1000 रैंक के नीचे आपको आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, ठीक है। ट्यूशन फीस का जो है 2,44,372 है, हॉस्टल अदर से है, कुछ अदर फीस जो है वो इंक्लूडेड है। टोटल फी 2,64,000 जाएगा प्लस आपका हॉस्टल चार्ज जाएगा, इसमें हॉस्टल चार्ज इंक्लूडेड नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा हॉस्टल लोगे, है ना। तो ये आपका अप्रॉक्स जाता है। टोटल जो सीट्स इसके अंदर हैं 79 ऑल इंडिया मेरिट पर मिलेंगी, होम स्टेट मेरिट पर 7 सीट्स हैं, टोटल 86 सीट जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ करके डिस्कशन है, सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, मुद्दे की बात कर करके आगे बढ़ेंगे। तो 1000 रैंक तक है तो ये सारे ऑप्शंस आरवी में आपको मिल सकता है। बेसिकली आरवी बीएमएस आपको इजीली मिल जाएगा 1000 रैंक के अंदर कॉमेडी के में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि सर कॉमेडी के में रैंक थोड़ी ज़्यादा है, मान के चलिए अगर मेरी 2000 रैंक है तो क्या ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अगर कॉमेडी के में आपकी 2000 रैंक आ गई है, ग्रेजुअली हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे इसको, तो भी क्या ऑप्शंस रहते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नीचे आते हैं फटाक से, 2000 ऑप्शन पे भी यार आरवी में कुछ मिलेगा क्या, बीएमएस आ जाता है। अब यहाँ आरवी हट चुका है, बीएमएस में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। टोटल फीस बीएमएस की भी 2,64,000 जाएगी, है ना। फिर आपका आरवी में क्या मिलेगा सर, आरवी में आपको अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिलेगा आपको आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। यहाँ पे मैंने कॉलेज को भी कैटेगराइज कर रखा है। अभी तक 2000 रैंक तक भी आपको टॉप 3 कॉलेजेस बड़े आराम से मिल रहे हैं कॉमेडी के अंदर, ठीक है। एमएस रमैया मिल रहा है, एमएस रमैया में क्या मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ब्रांच मिल रही है। बीएमएस में आईओटी मिल रही है, तो मतलब आराम से आरवी की सीएसई छोड़ के आपको एमएस रमैया और बीएमएस में 2000 रैंक के ऊपर आराम से एडमिशन मिलने वाला है और उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। एक और कॉलेज है यार श्री ये जो जेएसएस का कॉलेज है, जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मैसूर का है, मैसूर में पढ़ता है ये कंप्यूटर साइंस, इसमें भी बड़े आराम से 2000 रैंक तक आपको मिल जाएगा। दयानंद सागर वगैरह तो ऑफकोर्स आराम से मिल रहा है, टॉप के कॉलेजेस आराम से मिल रहे हैं। अगर आपकी कॉमेडी के में 3500 रैंक है, यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट होंगी, 3500 रैंक तक है तो क्या मिलेगा, धीरे धीरे करके 40000 रैंक तक भी जाएंगे, बताएंगे सारे ऑप्शन, स्टे ट्यून्ड गाइस, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। तो अगर मेरे मान के चलो 3500 रैंक आ गई है कॉमेडी में तो फिर क्या मिल रहा है भाई, एक बार बता दीजिए। तो अभी भी टॉप 3 के चांसेस हैं भाई, 3500 रैंक तक भी टॉप 3 ईजिली मिल रहा है। अब एमएस रमैया में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का ऑप्शन मिल रहा है, फीस आप देख रहे हो कि टोटल फी 2,64,000 है। बीएमएस मिल रहा है एआई के साथ, आरवी अब जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, डबल ई मिल रही है इसके अंदर आरवी के अंदर, है ना। उसके बाद आपका जेएसएस मिल रहा है, दयानंद सागर में कंप्यूटर साइंस वगैरह सब इजीली मिल पा रहा है। एमएस रमैया में आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो 3500 रैंक तक आराम से भी आप टॉप 3 कॉलेजेस स्टिल आपको मिल रहे हैं। अब मेरी जो कॉमेडी के में रैंक बन रही है वो थोड़ी ज़्यादा बन रही है, 5000 रैंक बन रही है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहेंगे सर कॉमेडी के काउंसलिंग के अंदर। तो 5000 रैंक के लिए अपन प्रिडिक्ट कर लेते हैं, तो देखो 5000 रैंक के लिए भाई क्या क्या ऑप्शंस बनेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी भी आपको जो है दयानंद सागर मिल रहा है कंप्यूटर साइंस के साथ, बीएमएस मिल रहा है, बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट मिल रहा है, ये कंप्यूटर साइंस जो है, ये जो बीएमएस है देखिए यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, एक बीएमएस अलग है, ये दूसरा बीएमएस है जिसका कॉलेज कोड E028 है, लेकिन ये भी टॉप 5 में ही आता है।
ठीक है, तो ये टॉप ये रैंकिंग हमने दी हुई है, तो इसमें भी कंप्यूटर साइंस आपको मिल रहा है, दयानंद सागर में आपको AI मिल रहा है, दयानंद सागर में आपको कंप्यूटर साइंस IoT मिल रही है, ठीक है, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड BMS कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो इसका कॉलेज कोड E027 है और ऊपर वाले का कॉलेज कोड जो है E028 है। काउंसलिंग में हमेशा जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भरने की जगह BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भर देते हैं, क्योंकि मिलते जुलते नाम है। देखिए कॉलेज एक ही ग्रुप का है, बट नो डाउट BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक टॉप इंस्टीट्यूट्स में आता है, टॉप 3 में आता है। जब हम इसकी रैंकिंग यहाँ पे देखेंगे तो ये टॉप 3 में है, इसलिए मैंने सबकी रैंकिंग भी दी है और उनको मैंने टॉप 25 में दिया है, ठीक है। तो ये E027 ध्यान रखिएगा। तो कॉलेज कोड आपको रटे होने चाहिए काउंसलिंग करने से पहले, चॉइस फिलिंग करने से पहले, ठीक है। तो आई होप सो गाइस कि यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि भाई 5000 रैंक तक आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएगा। NIE मिल रहा है, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मिल रहा है कंप्यूटर साइंस के साथ, MS रमैया मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ, और BMS मिल रहा है BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो कि दूसरा कॉलेज है, उसमें AI डेटा साइंस मिल रहा है। तो ये ऑप्शंस आपके हैं, आई होप सो कि क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा यार जिन बच्चों को भी ऑल इंडिया में क्या मिल रहा है एग्जैक्ट डेटा जानना है, डेफिनेटली मैं बहुत सारा लाइव सेशन तो लूँगा ही। अपार्ट फ्रॉम डेट हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम्स भी हैं जिनको आप इनरोल कर सकते हो। इसमें क्या क्या मिलता है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत क्विक, फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिकली अपने पास 3 पैकेज हैं, 499, 799 और ये 999 उन्हीं के लिए है जो दिल्ली NCR में हमसे ऑफलाइन काउंसलिंग लेना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट आप ऑनलाइन की तरफ जाइए, इसमें जितनी भी काउंसलिंग्स होंगी इंडिया के अंदर वो सबका डेटा आपको मिलेगा कि भाई आपकी रैंक पे हम क्या देख सकते हैं, क्या क्या मिल सकता है, पूरा प्रिडिक्टर आपको मिलेगा कि भाई प्रिडिक्ट करके एक पूरा PDF देंगे कि भाई आपकी रैंक पे ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं 499 में। और उसके अलावा जितनी भी चॉइस फिलिंग होगी, चाहे जोसा की चॉइस फिलिंग हो, चाहे CSAP की चॉइस फिलिंग हो, चाहे जैक दिल्ली हो, चाहे IP हो, चाहे कॉमेड के हो, चाहे VIT चल रही है ख़त्म होने वाली है, या SRMJE, या फिर आप MIT मणिपाल ले लो, जितने भी ऑप्शंस इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग सेगमेंट में है सबकी चॉइस फिलिंग आपको इसके अंदर ही मिलने वाली है। तो पेरेंट्स अगर आप देख रहे हो तो मेक श्योर करो कि ये ऑप्शंस आप इंक्लूड कर लो। 799 और 499 में डिफरेंस क्या है, इसमें आपको वन टाइम एक्सपर्ट मेंटर कॉल सपोर्ट मिल जाता है, आप मुझसे मेरे टीम के एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हो, 1.5 घंटे का सेशन आराम से पूर्ण लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि भी और अच्छे ऑप्शंस आपके पास क्या है। अपार्ट फ्रॉम डेट ऑल इंडिया चांसेस, और जितनी भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले पहले आपको सारी चॉइस फिलिंग मिलेगी और सारे नोटिफिकेशंस भी मिलने वाले हैं। तो ये मेक श्योर करो कि आप इन दोनों प्लान के अंदर इनरोल कर लो, और जो भी दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं और हमसे ऑफलाइन कंसल्टिंग करना चाहते हैं वो 999 वाले प्लान के साथ जा सकते हैं, इसमें बस ऑफलाइन एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं जो इन दोनों में आपको मिल रही है। तो यार इसको अवेल करो, बहुत सारे लोगों को डाउट है, जिन बच्चों ने पहले हमारा प्रीमियम लिया है और कॉमेड के का उस समय पर रिजल्ट नहीं आया था तो वो बच्चे घबराए नहीं, हमारा यार मेल है, उस मेल पे आप अपना कॉमेड के का जो है रैंक बता दो, आपको मैं चांसेस भेज दूंगा कि भाई कॉमेड के में आपकी रैंक पे क्या मिलने वाला है, और कॉमेड के की चॉइस फिलिंग जैसे ही खुलेगी आप लोगों को तो मिलने ही वाली है। देखो मैं जानता हूँ कुछ लोगों को कॉल डिले फेस हो रहा है, बट यार 110% आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सबको ही कॉल जाएगा हमारी तरफ से। बहुत सारे पेरेंट्स जानबूझ के कॉल नहीं ले रहे थे क्योंकि बहुत सारी काउंसलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है, अभी अगर हम कॉल देते भी हैं तो डाउट रहता ही है ना, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, आपसे जो भी कमिटमेंट करियर कनेक्ट कर रहे हैं वो 110% आपको मिलेगा, इसकी पूरी श्योरिटी है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। 24 to 48 hours जैसे ही आप इस प्रीमियम को लेते हो 24 से 48 घंटे में ऑल इंडिया चांसेस आपके पास ईमेल पे आ जाता है, पूरी एक रिपोर्ट देते हैं मैनुअली काउंसलर तैयार करके भाई आपकी रैंक पे बेस्ट क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यार इसको जरूर परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिमिटेड स्लॉट्स में ही है ना, तो डेफिनेटली यू कैन परचेस इट राइट। अब बढ़ते हैं आगे यार और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अभी तक हम लोग जो थे वो यहाँ पे 5000 रैंक तक बात कर चुके थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, किसी की 8000 रैंक आती है, ये बहुत कॉमन रैंक है कॉमर्ड गेम में कि भी सर 8000 रैंक आई है तो क्या मिलेगा। अब यहाँ पे एक बच्चा कंपेयर भी कर सकता है, कॉमेड के में 8000 रैंक आई है, JEE मेंस में 1.5 लाख रैंक आई है, तो क्या मुझे कॉमेड की काउंसलिंग करानी चाहिए या JEE मेंस की काउंसलिंग करानी चाहिए। यहाँ पे एक डॉट और हो सकता है कि VIT EEE में 25000 है, कॉमेड के में 8000 है और JEE मेंस में 1.5 लाख रैंक है, अब मैं किसकी काउंसलिंग कराऊँ, मुझे बेस्ट क्या मिल सकता है, ठीक है। तो सारा डिस्कशन मोड इसमें इंक्लूडेड है, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लो जो भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को देख रहे हैं राइट।
अब हम 8000 पे आ चुके हैं। देखिए अगर 8000 आपकी रैंक है तो भी आपको अब आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नहीं मिल रहा है, आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट मिल रहा है। देखिए ये आरवी आईटीएम जो है आरवी सीई से बहुत नीचे आता है, बहुत नीचे तो नहीं आता है, दोनों देखिए एक ही ग्रुप है लेकिन उससे रैंकिंग में नीचे आता है। ये टॉप 25 का अंदर का कॉलेज है, ठीक है। इसमें आपको सीएससी कोर मिल जाएगी जिसका फीस लगेगा 2,64,000 अगर 8000 आपकी रैंक कॉमेड के में बन रही है तो, ठीक है। तो ये अपना फीस बन रहा है। इसके अलावा अगर और सेगमेंट में देखें तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में क्या मिल रहा है, देखिए अब बहुत सारे बच्चे आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को लेना चाहते हैं। 8000 रैंक पे आरवी में आपको मैकेनिकल तक का ऑप्शन मिल सकता है, मैकेनिकल में आपका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि टॉप टेक ब्रांचेस 8000 रैंक से पहले पहले ईसी वगैरह इवन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वगैरह बंद हो जाती हैं, ठीक है। बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT में क्या मिल रहा है, इसमें भी अभी स्टिल कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगा, ये भी अच्छा है। NI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग नॉर्थ कैंपस, इसमें भी आपको कंप्यूटर साइंस आराम से मिल रहा है। नीति मीनाक्षी में CSE कोर मिल रही है, SIT में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, RVITM में आपको इंफॉर्मेशन साइंस मिल रहा है, ये IS ब्रांच है, ये भी हद तक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही है, कहीं ज़्यादा हटके नहीं है। दयानंद सागर में अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल रहा है, ठीक है। एम विश्वसरैया में अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अभी स्टिल मिल रही है। नीति मीनाक्षी के अंदर कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम मिल रहा है। CSBS जो है वो भी एक कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है जो TCS स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। TCS ने इस ब्रांच को स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अगर आपने इसको सुना होगा तो, ठीक है। नीति मीनाक्षी में AI डेटा साइंस, BIT में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि 8000 रैंक तक आते हैं। थोड़ा सा रैंक और बढ़ाते हैं, सर अगर मेरी कॉमेड के में 10000 रैंक आ गई तो क्या मिलेगा, तो अगर आपकी कॉमेड के में 10000 रैंक आ गई तो भाई क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 10000 रैंक में अपने पास क्या ऑप्शंस हैं जरा आप कॉमेड के को देखते हैं। सबसे नीचे कॉमेड के है, ठीक है। किसी बच्चे की अगर कॉमेड के में 10000 रैंक है तो BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बैंगलोर वाले में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल रही है, ठीक है। इसकी जो फीस जा रही है वो 2,64,000 है, ये भी अच्छा कॉलेज है। एम विश्वसरैया में CSE अभी भी मिल रही है, आराम से आप एम विश्वसरैया में CSE ले सकते हो। RVITM में अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिलेगी। नीति मीनाक्षी में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। BMS के अंदर जो BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है उसमें एरोस्पेस मिल जाएगा, ये देखिए टॉप 3 का कॉलेज है। तो जो बच्चे भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं, 10000 तक रैंक है उनकी, तो आराम से आप टॉप 3 कॉलेज में BMS से कर सकते हो, फीस उतनी ही जाती है, तो अच्छा ऑप्शन है एरोस्पेस बैंगलोर में अगर BMS से करते हैं तो, ठीक है। जिनका भी मन है एरोस्पेस करने का, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई मेरे बच्चे को एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है, तो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। नीति मीनाक्षी में IAS मिल रहा है, अभी भी नीति मीनाक्षी में 10000 रैंक तक भी आपको IAS मिल रहा है, ठीक है। अब गीतम यूनिवर्सिटी आ चुका है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, CMR मिल रहा है, एम विश्वसरैया मिल रहा है, अभी भी कंप्यूटर साइंस आराम से मिल रही है एम विश्वसरैया में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी अगर सर कॉमेडी में 12000 रैंक आती है तो, ठीक है, अगर मेरी 12000 रैंक आती है तो क्या स्टिल ऑप्शंस रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। अगर हम 12000 रैंक तक के लिए देख लें एक बार कि भाई 12000 रैंक तक क्या पॉसिबिलिटी बनती है कॉमेडी में, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आराम से आपको CMR में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, SIT में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस मिल रहा है, एम विश्वसरैया में कंप्यूटर साइंस IT मिल रही है, RNS मिल रहा है आपको, RNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी टॉप 20 का कॉलेज है, ठीक है, इवन टॉप 15 का कॉलेज है। कोर CSE मिल रही है, 12000 रैंक पे भी आपको आराम से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रही है जिसका फीस स्ट्रक्चर जो है 2,64,000 अप्रॉक्स पड़ेगा हॉस्टल छोड़ के, ठीक है। BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर में अगर स्टिल चाहते हो टॉप 3 मिल जाए तो आपको ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, 12000 रैंक के साथ आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेना पड़ेगा, तो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा बैंगलोर में। बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT जो है उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टिल मिल रही है, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, टॉप 10 के अंदर आता है BIT अगर हम लोग बात करें तो। अब यहाँ पे KLE मिल रहा है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लेकिन देखो यहाँ पे लोकेशन का बड़ा ध्यान रखना, जो बच्चे आउटडेटेड नहीं जाना चाहते, जैसे इसका जो लोकेशन है वो हुबली है, इसलिए हमने अपने प्रेडिक्टर में लोकेशन भी दिया हुआ है, तो आपको ये जो है लोकेशन के साथ मिलेगा, ये गलती ना करें, कई बार पेरेंट्स को पता नहीं तो हुबली है कहाँ, अपने एडमिशन ले लिया, ये पता चलेगा कि बहुत आउटडेटेड है बैंगलोर से, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा, 3-4 घंटे का रास्ता अलग है, लोकेशन उतना अच्छा नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी होती है जब आप चॉइस फिलिंग कर देते हैं, क्योंकि कॉमेड की काउंसलिंग थोड़ी रिस्की होती है, यहाँ पे एक बड़ा पैसा आप लोग लगाते हैं, जैसे ही आपको कोई सीट मिलेगा आपको 2,64,000 के आसपास की पेमेंट करनी पड़ेगी सीट एक्सेप्टेंस फी। ये पैसा बचेगा कि डूबेगा डिपेंड करता है आप काउंसलिंग किस तरीके से कराते हैं। अगर आपने ये जल्दबाजी कर दी कि भाई अब आपने कॉलेज ही गलत भर दिया, अब आपको उसमें जाना नहीं है, तो कई हद तक
दूसरे तीसरे राउंड के बाद ये पैसा रिफंडेबल भी नहीं होता है। तो ये सब समझदारी रखनी पड़ेगी आपको, तभी आप कॉमेडी की काउंसलिंग अच्छे से करा पाओगे, ठीक है। उसके लिए डेफिनेटली आपको सारा आइडिया लेना चाहिए कि भाई जो मैं कॉलेज टारगेट कर रहा हूँ उसका रीज़न क्या है, क्या मैं कॉलेज का कोड ध्यान है मुझे कि मैं जिस कॉलेज को टारगेट कर रहा हूँ उसका कॉलेज कोड क्या सही कोड है, क्या वो RVCE की जगह मैं RVITM चूज़ कर रहा हूँ क्या, ठीक है। सिमिलरली BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की जगह BMS ITM चूज़ कर रहा हूँ क्या, है ना। तो ये सब चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अभी भी देखिए नीति मीनाक्षी में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जा रही है 12,000 रैंक पे, और CMR वगैरह के अंदर अभी भी आपको कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच जो है ईजिली मिल रही है। CMR भी बहुत अच्छा कॉलेज है जो कि बैंगलोर के अंदर है। ये जो जितने कॉलेज मैं दिखा रहा हूँ सब टॉप 25 के अंदर है, और कहीं ना कहीं इनका एवरेज पैकेज जो है वो 6-8 लाख का जाता है, और जो ऊपर के 10 कॉलेज हैं, जो ऊपर के 4-5 कॉलेज हैं, उनका एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं 12 लाख के ऊपर के आसपास है। 10 RVCE वगैरह के जोड़ ले तो 10 से 12 के एवरेज पैकेज के आसपास आप लोग आराम से उठा लोगे। नो डाउट बैंगलोर IT हब है, तो बहुत सारी ITs कंपनी यहाँ से रिक्रूटमेंट करती हैं, तो बैंगलोर वाले कॉलेज को यार ध्यान से रख सकते हो आप। अगर किसी की 15,000 तक रैंक बन रही है कॉमेडी में कि सर मेरी 15,000 रैंक बन गई है, अब मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या मिल सकता है, क्या मुझे कॉमेडी की काउंसलिंग करानी चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। अगर 15,000 रैंक तक भी अगर आपकी कॉमेडी में बन रही है तो भी आपको दयानंद सागर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आराम से मिल रही है, जो कि डिसेंट ब्रांच है, ठीक है। टेक ब्रांचेस में आता है, कंप्यूटर साइंस के साथ बच्चा बैठ सकता है। दयानंद सागर बहुत बेहतर कॉलेज है जिसको आराम से आप लोग ले सकते हैं। MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है टॉप 3 का कॉलेज है, उसमें मैकेनिकल मिल जा रही है अभी भी 15,000 रैंक पे। RV के अंदर आपको स्टिल, जैसे कई बच्चों का एकदम डिमांड रहता है कि सर मेरी रैंक भले ही ज़्यादा है लेकिन एडमिशन मैं RVCE में ही लूँगा, चाहे मैं ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, बिल्कुल नोचेगा। तो आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 15,000 रैंक तक भी आराम से RV में एडमिशन मिल जाएगा, इवन ज़्यादा में भी मिल जाएगा, वो भी डिस्कस करेंगे। BNM जो अच्छा कॉलेज है उसके अंदर भी आपको IAS मिल रहा है। कोई भी कॉलेज जो मैं दिखा रहा हूँ उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि गलत कॉलेज सजेस्ट करूँगा, सब बहुत फिल्टर्ड कॉलेज हैं। लोकेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि लोकेशन आपको ध्यान रखना है, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, RNS दिख रहा है, ठीक है। JSS अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये नोएडा का भी कॉलेज है और सेम कॉलेज बैंगलोर में भी है, यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये बैंगलोर का कैंपस है जिसमें आराम से 15,000 रैंक पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जा रही है। देखिए नोएडा वाला कैंपस जो है बहुत टॉप का कॉलेज है, अगर आप UPTU काउंसलिंग जानते होंगे, AKTU से ये काउंसलिंग करवाता है और नंबर 1 पे है वो कॉलेज। और JSS जो बैंगलोर है सेम इसी का कैंपस है, फैकल्टीज भी इवन सेम है, मोस्टली फैकल्टी चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे 15-16 हज़ार जिसकी भी रैंक है वो आराम से JSS में एडमिशन ले सकता है। RNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस मिल जाएगा, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, और CMR के अंदर आपको AI मशीन लर्निंग मिल जाएगी। जिनकी 15,000 रैंक है स्क्रीनशॉट लेते रहो, अपना सेव करते रहो, और ये लोकेशन वगैरह भी आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। मैं धीरे धीरे ऊपर से स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये सारे ऑप्शन आराम से मिल रहे हैं। बाकी अगर आप इसमें इनरोल हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तो पूरा एक PDF डेटा बना के हम लोग, हमारी टीम खुद देगी, तो उसके लिए तो परेशान होना ही नहीं, ठीक है। अब 15,000 के ऊपर अगर बढ़ जाएं, अगर मेरी सर कॉमेड के में 18,000 रैंक आ गई, लेट्स अज्यूम करें कि 18,000 रैंक आ गई, अब बढ़ेंगे तेज़ी से, तो अगर 18,000 रैंक के सेगमेंट में देखें तो क्या ऑप्शन रहता है, क्या टॉप 20 में मुझे स्टिल कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा? देखो आराम से मिलेगा। देखो अभी भी RV में आप सिविल ले सकते हो, ठीक है, तो जिन बच्चों का वो है वो ले सकते हैं। अब RNS में अभी स्टिल टॉप 25 के अंदर CSE मिल रही है, JSS में आराम से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर मिल रही है चाहे 18,000 रैंक क्यों ना हो, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर वाले में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, ये भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। दयानंद सागर में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, NIE जो है NIE के अंदर अब जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल रही है, डबल ही मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, ठीक है। BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, ठीक है, और कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये भी टॉप 25 का कॉलेज, इसमें भी आपको CSE कोर मिल जा रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, सर मेरी 20,000 रैंक आ गई है, अब बता दो क्या मुझे कॉमेडी की काउंसलिंग करानी चाहिए? स्टिल आपको जो है 20,000 रैंक तक क्या ऑप्शन बनते हैं वो देख लेते हैं। अगर आपकी कॉमेडी में 20,000 भी रैंक है तो भी आपको क्या क्या मिल जाता है, मैं थोड़ा थोड़ा सेगमेंट हमेशा बढ़ा के दिखाए। अभी भी दयानंद सागर में आपको जो है ये देखिए, दयानंद सागर अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट आ गया, ये देखिए नॉट टॉप 25, तो ये ऊपर का कॉलेज है, थोड़ा सा दयानंद सागर का सेम कैंपस नहीं है, दयानंद सागर जो मेन कैंपस है वो बहुत बेहतरीन कॉलेज है। तो मैंने क्या कहा, मिलते जुलते नाम,
और बच्चा फंस जाता है, अपना 2.5 लाख रुपया फंसा देता है, बाद में बोलता है सर गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो यार ये सब ना सोचना पड़ेगा, पेरेंट्स को बैठना पड़ेगा, बच्चे को बैठना पड़ेगा, अच्छे से सब चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। दयानंद सागर ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये अपना मेन कैंपस है, ये देखिए दूसरा कैंपस है दयानंद सागर, है ना, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगा, इसमें देखो कोर सीएससी मिल रही है, लेकिन ये अलग है दयानंद सागर से, ठीक है। एनआई में आपको इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, एम विश्वसरैया में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आराम से मिल रही है, ये भी अच्छा कॉलेज है, टॉप 15-16 में आता है, इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन मिल रहा है। जेएसएस में अब जो है आपको है कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल रहा है, तो अगर 20,000 तक रैंक है तो आराम से कॉमेड के आप करवा सकते हो, जैसे से काफ़ी बेहतर कॉलेज है जिसको कॉमेड के से आराम से लिया जा सकता है। एसआईटी भी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिल रहा है, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप 25 के अंदर आता है, इसमें भी सीएससी मिल रही है। बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अभी बायोटेक मिल जाएगा, चाहे आपकी रैंक 20,000 क्यों ना हो आराम से मिल रहा है। जेएसएस अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन साइंसेज एंड इंजीनियरिंग मिल रही है, तो ये सब ऑप्शंस आपको आराम से मिल रहे हैं। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे कि सर मेरी 25,000 रैंक है तो क्या मुझे कॉमेडी की काउंसलिंग करानी चाहिए, तो 25,000 रैंक पे कुछ ऑप्शन देख लेते हैं कि भाई अगर किसी की 25,000 रैंक तक आ रही है कॉमेडी के अंदर तो उसके लिए क्या ऑप्शंस बनते हैं और क्या उसको कॉमेडी की काउंसलिंग है ना करवानी चाहिए क्या। तो हमने डेटा सबमिट कर दिया, डेटा लोड हो गया, देखो ये हमें सारा डेटा बताता है, बट मैं स्पेशली इस वीडियो में कॉमेडी की भी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लाइव सेशन भी लूँगा कि भाई आपकी हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। तो अब हम 25,000 पे आ चुके हैं कि सर मेरी रैंक 25,000 है कॉमेडी के में तो क्या मिल सकता है, तो अभी भी आचार्य के अंदर कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच आपको मिल जाएगी, लेकिन स्पेशलाइजेशन मिलेगा डेटा साइंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे बैंगलोर का है, देखियो एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इसमें आपको आईए मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट मिल जाएगा, टॉप 3 का कॉलेज है, लेकिन लोअर ब्रांच आपको मिल जाएगा, तो जो लोग टॉप कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं लोअर ब्रांच के साथ वो इनको जा सकते हैं। अब यहाँ पे एसआईटी मिल रहा है, पेस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये थोड़ा ऊपर का कॉलेज है, इसको हम सजेस्ट नहीं करेंगे। केली आपको मिल रहा है लेकिन हुबली वाला मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसमें आराम से मिल जा रहा है। सीएमआर मिल रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ मिल जा रहा है। दयानंद सागर में अभी भी आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मिल जा रही है, ठीक है, ये मेन कैंपस है, ये मेन कैंपस नहीं है, ठीक है। ग्लोबल जो है थोड़ा ऊपर का कॉलेज है, आचार्य मिल जा रहा है, तो आराम से बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ मिल रहा है। तो अब 25,000 पे थोड़े से लोअर कॉलेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसके नीचे जो है आपको थोड़े से नीचे के कॉलेज मिलेंगे, लेकिन स्टिल इनका जो एवरेज पैकेज रहेगा वो 4.5 से 5 लाख का रहेगा, 5.5 लाख का 6 लाख का रहेगा। तो अगर आपको आपकी 25,000 से ऊपर रैंक बन रही है तो आपको सोचना चाहिए कि भाई जेई मेंस में आपकी कितनी रैंक बन रही है, क्या जेई मेंस की रैंक 2 लाख 1.5 लाख के अंदर बन रही है, 3 लाख के अंदर बन रही है, तो हम जेई मेंस के बेस पे भी आपको बहुत बेहतर ऑप्शंस दे सकते हैं। अब मान के चलिए किसी की कॉमेडी की रैंक 30,000 है, ठीक है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। तो 30,000 रैंक पे कॉमेडी में क्या मिलेगा एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब टॉप 25 से ऊपर जा रहे हैं, अभी भी अगर आप कोर ब्रांचेस के साथ कंप्रोमाइज़ कर लोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपको एम एस रमैया में 30,000 रैंक तक भी मिल जाएगा, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग एम एस रमैया में आपको आराम से 30,000 रैंक तक मिल रही है, टॉप 3 का कॉलेज है। कैम्ब्रिज में आपको जो कि ये थोड़ा सा ऊपर है, आप देखो नॉट टॉप 25 आना स्टार्ट हो गया, जैसे ही 30,000 से गया है तो अब आपको 25 टॉप 25 कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा है। अंबेडकर एक ऐसा कॉलेज है जो टॉप 25 में आता है, लेकिन इसमें आपको ईसी मिल रही है, कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। जिसमें नॉट टॉप 25 है उसमें सीएससी आपको मिल रही है, मतलब 30वें नंबर का 35वें नंबर का कॉलेज है, इनमें आपको सीएससी मिल रही है। नीति मीनाक्षी में देखिए टॉप 25 है तो सीएससी नहीं मिल रही है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई है। तो देखो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी 30,000 तक रैंक है, अभी भी स्टिल आपको टॉप 25 का बढ़िया कॉलेज चाहिए, तो अब आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करिए, अब आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ जाइए, आपको मिल जाएगा। टॉप 3 को टारगेट करोगे तो आपको बहुत लोअर ब्रांच मिलेगा, या तो सिविल मिलेगा या इंडस्ट्रियल मिलेगा या बायोटेक मिलेगा। तो ये कुछ सीक्वेंस है जो कि आपको समझना है। जेएसएस के अंदर देखिए अब मेन कैंपस जो है जेएसएस बैंगलोर, जिसका नोएडा में भी एक कैंपस है, अब इस रैंक पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल रही है 30,000 रैंक तक। तो देखिए अब यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस मिल रही है वो आपको अभी भी केएलएस गोटे जो है इसमें आपको जो है टॉप 25 का एक कॉलेज है जिसमें आईएएस मिल रही है, तो ये लास्ट एक ऑप्शन है। लेकिन ये जो लोकेशन है ये देखिए ये बेलागवी, ये अपना बैंगलोर में नहीं पड़ता है, तो ये देखना पड़ेगा आपको टॉप 25 में ये, ठीक है। इसमें भी आपको सीएससी मिल रही है, गीतम में मिल रही है, टॉप 25 में है, लेकिन बैंगलोर के अंदर गीतम यूनिवर्सिटी है वो, उसमें कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। तो कुछ 2-3-4 ऑप्शंस अभी भी आपके पास हैं,
अब देखिए टॉप थ्री में जैसे आप देखेंगे 30,000 रैंक पे, तो मेडिकल आपको मिल रही है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है जो कि MS रमैया में मिल रही है, टॉप थ्री का कॉलेज है। SDM मिल रहा है आपको धारवाड़ में, लेकिन ये धारवाड़ है, ये बैंगलोर नहीं है। AI मिल रही है, लेकिन ये देखिए अब यहाँ पे जैसे जैसे लोकेशन पीछे होता जाता है वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा डिमांड कम करते हैं, इसलिए ऊपर रैंक तक एडमिशन मिलता है। SDM भले ही टॉप 25 का कॉलेज है, लेकिन क्योंकि ये लोकेशन धारवाड़ में पड़ता है, तो इसलिए आपको स्टिल 30,000 रैंक लाने के बाद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का ऑप्शन बड़े आराम से इसके अंदर मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए 30,000 रैंक से अगर आपकी ज़्यादा है कॉमेडी के में, तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप कॉमेडी की काउंसलिंग कराइए, क्योंकि फिर आपको थोड़े लोअर कॉलेज मिलने स्टार्ट हो जाते हैं कि आपके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। ठीक है, भले कि मैं 40,000 तक कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 30,000 अगर आपकी रैंक है तो एक बार मुझसे डिस्कस करिए, मेरी टीम से डिस्कस करिए, आपको और बेहतर ऑप्शन हम दे सकते हैं, चाहे वो JEE मेंस के हैं या 12th के परसेंटेज के बेस पे हो। तो आपको परेशान एकदम से नहीं हो जाना है कि भाई कॉमेडी के में ही ले लो। देखिए 30,000 के रैंक तक आराम से, तो टॉप 25 कॉलेजेस जितने कॉमेडी के में हैं उसमें आप CS IT इवन इलेक्ट्रॉनिक्स तक भी ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर के जो कॉलेजेस हैं वो अगर लोकेशन उनका सही नहीं है तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब 40,000 तक लेते हैं, आई थिंक 400,000 डाल रहा था मैं, 400,000 रैंक नहीं होता यार कॉमेडी के में। ठीक है, तो यार 40,000 तक भी कुछ ऑप्शन बनते हैं क्या? देखिए बिल्कुल बनते हैं। तो जिनकी 40,000 तक रैंक है, अभी भी आपको MBS बसरैया में टॉप 25 का कॉलेज है, इवन टॉप 16 में आता है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन मिल जा रही है 40,000 रैंक पे। ठीक है, MS रमैया में अभी भी सिविल इंजीनियरिंग मिल जा रही है, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि देखिए अब नॉट 25, ये सब ऊपर के कॉलेजेस आने लगे, इनका हो सके 35-40 नंबर के कॉलेजेस हों। अम्बेडकर वाले में अभी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा, ये देखिए दयानंद है दूसरा वाला कैंपस है, मेन कैंपस नहीं है, नॉट 25। तो 25 की बात करें तो नीति मीनाक्षी में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI स्टिल मिल रही है, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, JSS में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा, 40,000 रैंक तक भी है तब भी मिल जाएगा। कैम्ब्रिज में आपको जो है जो कि टॉप 25 में देखिए ये है, तो इसमें आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, गीतम यूनिवर्सिटी है, तो आराम से आपको इसमें कंप्यूटर साइंस अभी भी मिल रही है टॉप 40 में। तो ये कुछ ऑप्शन है जो 40,000 रैंक तक भी मिल सकता है। अगर 40,000 रैंक तक है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स तक ब्रांच में लेके अच्छे कॉलेज को टारगेट कर लीजिए या अदर ऑप्शन देख लीजिए। 40,000 रैंक से ज़्यादा है तो मैं कॉमेडी के काउंसलिंग सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, बहुत सारे काउंसलिंग हैं। और जिन बच्चों को भी यार कंप्लीट एनालिसिस वाला अपना रिकॉर्ड चाहिए, वो डेफिनेटली इसको परचेस कर लीजिए, आपको हम डिटेल रिकॉर्ड भेज देंगे आपकी मेल पे। और बस यहीं तक सपोर्ट लिमिटेड नहीं है, जितने भी राउंड्स होंगे उन मतलब जितने भी काउंसलिंग चलेगी उन सब की आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी इस सपोर्ट के अंदर, ये इंक्लूडेड है। काउंसलर कॉल भले ही आपको वन टाइम मिल रहा है, लेकिन आपको अलर्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे अब कहेंगे सर अभी तक हमने आपका सब्सक्रिप्शन लिया, अलर्ट्स मिला नहीं है। देखो मेरे भाई, अभी तक कोई भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जिस दिन स्टार्ट होगा हमारे पास पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, मैं सारा अलर्ट्स आप तक पहुंचाऊंगा, हमारी टीम पहुंचाएगी। तो उसके लिए ध्यान में रखिए कि अगर आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो तो आपका कुछ भी छूटेगा, आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, 10 साल से मुझे एक्सपीरियंस है काउंसलिंग करने का, सारी चीज़ें रटी हुई हैं। ठीक है, पूरी टीम को एक्सपीरियंस है, इवन मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस काउंसलर भी हैं हमारे पास में। ठीक है, तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि भाई कुछ तुम्हारा छूट रहा है, कुछ तुम्हारा जा रहा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड ये तीनों प्लान है। आई थिंक मार्केट में कोई भी इस तरीके का प्रेडिक्टर दे ही नहीं सकता, क्योंकि बना ही नहीं सकता यार, इतना वो टेक्निकल होगा ही नहीं। राइट, अब बताओ 799 के अंदर मैं अगर आपको 10 काउंसलिंग का आपको चॉइस फिलिंग दे रहा हूँ तो पर काउंसलिंग कितना पड़ा? 70 रुपये का पड़ रहा है भाई, 70 रुपये की, मतलब कोई 15 काउंसलिंग में बैठे तो भाई आप बैठो, जितने काउंसलिंग में बैठोगे सबकी चॉइस फिलिंग दे दूंगा, आप बैठो ना यार। लेकिन उसके लिए बैठने के लिए आप क्यों अपना पैसा बर्बाद करोगे? तो उसके लिए ऑल इंडिया चांसेस देखिए कि भाई मुझे मिल क्या रहा है, अब मुझे कितनी काउंसलिंग करानी चाहिए। जितनी भी काउंसलिंग आप कराओगे सबकी चॉइस फिलिंग इसी के अंदर है, 1 रुपया चॉइस फिलिंग का नहीं लेगा करियर कनेक्ट आपसे, 1 रुपया नहीं लेगा इसके अलावा। अगर आप खाली चॉइस फिलिंग मांगेंगे हमसे तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आपको डेफिनेटली इसी के अंदर हम लोग कंप्लीट देने वाले हैं, घबराने की बात ही नहीं है। अब अलग अलग काउंसलर्स क्या कर रहे हैं भाई, कॉमेडी की अलग चॉइस फिलिंग मिलेगी, जोसा की अलग मिलेगी, जैक दिल्ली की अलग लोगे, IPU की अलग लोगे, भाई सबके हजार 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 अगर बांटे तो 10,000 तो ऐसे ही चले गए ना आपके, इतना पैसा नहीं लगता चॉइस फिलिंग का। ठीक है, हाँ इस रेंज में इस मार्केट में कोई चॉइस फिलिंग नहीं दे सकता, इसकी पूरी श्योरिटी मैं देता हूँ यार। हमें आपको एक जेन्युइन कंटेंट देना है, दैट्स व्हाई वी आर हेयर। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों तक पहुँचाइए, बहुत सारे पेरेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करिए और अपना कमेंट बताइए, फीडबैक बताइए, डेफिनेटली बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ दोबारा मिलता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।